अब मान लो आग छोटी थी, पहले क्या थी? छोटी आग को क्या किए, कोई भी आग जब स्टार्ट होता है छोटा ही होता है, समझ में आ गया? उसको तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर चला के बुझा दिए। हो सकता है वो आपको ध्यान में नहीं आया, वो आग बड़ा हो गया, समझ में आ गया? उस दौरान फायर हाइड्रेंट का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? ये एक पाइपलाइन से जुड़ा होता है। किस चीज से? पाइपलाइन। हमारा एक पंप होता है, ठीक है, बड़े बड़े पानी स्टोर के लिए टैंक बने होते हैं, उसमें बहुत सारे पानी होते हैं, समझ में आ गया? वहाँ पे पंप क्या होता, ऑटोमेटिक चलेगा। कैसे चलेगा? ऑटोमेटिक। यहाँ जैसे आप यहाँ पानी लेना स्टार्ट करोगे, जैसे नल होता है ना, घर में नल क्या होता है, ऐसे खोलते हो पानी निकलेगा, पानी निकलता है, उसी प्रकार इसको खोलोगे तो यहाँ से पानी निकलेगा, और वो पंप क्या करेगा, ऑटोमेटिक चलेगा और पानी को प्रदान करेगा, समझ में आ गया? तो पानी हमें यही नहीं निकालना है, ठीक है? पानी कहाँ, जैसे अगल बगल कहीं आग लग गई, ठीक है, उसको बुझाने के लिए हमें इस हाइड्रेंट का इस्तेमाल करना है। अब इसका इस्तेमाल क्या क्या करते हैं हम आपको बताते हैं। इसको बोलते हैं फायर हाइड्रेंट। क्या बोलते हैं? फायर हाइड्रेंट। इसको जो आगे लगाए किसको बोलते हैं? वाल्व। क्या बोलते हैं? वाल्व। अब वाल्व क्या, वाल्व का काम क्या करना है, पानी को खोलना और बंद करना, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। इसको बोलते, इसलिए इसका नाम है लैंडिंग वाल्व। क्या नाम है? लैंडिंग वाल्व। लैंडिंग वाल्व। ये फायर हाइड्रेंट में जो आगे जो वाल्व लगा है इसको बोलते हैं लैंडिंग वाल्व। वाल्व भी कई प्रकार के होते हैं, समझ में आ गया? यस सर। लेकिन जो फायर हाइड्रेंट में लगे होते हैं उसको बोलते हैं लैंडिंग वाल्व। इसके पहले जो वाल्व होता है इसको बोलते हैं मेंटेनेंस वाल्व। क्या बोलते हैं? मेंटेनेंस वाल्व। ये जो लगे हैं इसको बोलते हैं मेंटेनेंस वाल्व। इसका भी टेक्निकल नाम है जिसका नाम है बटरफ्लाई वाल्व। ये सब जानने की जरूरत नहीं, समझ में आ गया? इसको बोलते हैं मेंटेनेंस वाल्व। जब हम इसका मेंटेनेंस करते हैं तो इसको बंद करते हैं, समझ में आ गया कि नहीं? वैसे ये खुला होना चाहिए, ऐसे खुला होना चाहिए, समझ में आ गया? अब क्या है, इस वाल्व को मैंने बताया था घड़ी के उल्टी दिशा में, घड़ी के उल्टी दिशा में। अब जैसे ही घड़ी की उल्टी दिशा में ऐसे खोलेंगे इसमें से पानी निकलेगा, ठीक है? अब जो ये आगे लगा है, आगे दिख रहा है जी सर, ये होज कनेक्टर, मतलब ये जो होज है, पाइप है, पाइप को इसको कनेक्ट कर लेगा, समझ में आ गया? इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्रेंट कपलिंग। क्या बोलते हैं? हाइड्रेंट कपलिंग। हाइड्रेंट कपलिंग। कनेक्टर मतलब मैं अपने हिसाब से समझाया था कि कनेक्ट करने के लिए, समझ में आ गया कि नहीं? पाइप को जोड़ने के लिए, ठीक है जी सर। इसको हम बोले थे पाइप के जोड़ने के लिए कपलिंग दिया होता है। क्या दिया होता है? कपलिंग। कपलिंग। अब ये हाइड्रेंट में लगा है, ये कहाँ लगा है? हाइड्रेंट में। इसको बोलते हैं हाइड्रेंट कपलिंग, समझ में आ गया? अब ये कपलिंग, इसको बोलते हैं डिलीवरी होज पाइप। क्या बोलते हैं? डिलीवरी होज पाइप। डिलीवरी मतलब इस पानी को क्या करेगा, डिलीवर करेगा, समझ में आ गया? क्या करेगा? डिलीवर करेगा। अब डिलीवरी होज पाइप में भी कपलिंग लगे होते हैं। क्या लगते हैं? कपलिंग। इसको बोलते हैं होज कपलिंग, क्योंकि ये होज पाइप में लगे, समझ में आ गया? लेकिन ये कपलिंग भी दो प्रकार के, कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है फीमेल कपलिंग, एक होता है मेल कपलिंग। अब इसके अंदर जो लगा है ये क्या है? फीमेल कपलिंग, समझ में आ गया? और ये कौन सी कपलिंग है? मेल कपलिंग। अब इन दोनों में अंतर क्या है? सबसे पहले क्या करोगे, ब्लैंक कैप। ये क्या होता है? ब्लैंक कैप। ये प्लास्टिक का कैप लगा देते हैं कि ताकि इसके अंदर कुछ जाए, समझ में आ गया? इसके अंदर एक लक्स लगा होता है। क्या लगा होता है? मतलब ये होता है खटका। खटका समझ में आ गया? उसको पकड़ने के लिए कपलिंग को क्या करना है? पकड़ने के लिए। अब ये नहीं लगेगा तो कपलिंग अपने आप निकल जाएगा, समझ में आ गया? जी सर। उसको पकड़ने के लिए इसको बोलते हैं लक्स, समझ में आ गया? जी सर। इसको जैसे ही आप निकालोगे, ठीक है, इसको खींचोगे तो ये निकल जाएगा, नहीं निकलेगा तो हाथ से निकाल लेना, समझ में आ गया? जी सर। अब ये डिलीवरी होज पाइप में मेल कपलिंग लगा। कौन सा कपलिंग? मेल। इसकी पहचान क्या है?
अब इसकी पहचान ये है, फीमेल कपलिंग के अंदर एक जगह बना होता है, समझ में आ गया, उसके अंदर एक लॉक से लगा होता है, क्या लगा होता है, इसको लॉक भी बोल सकते हैं, समझ में आ गया। फीमेल कपलिंग हमेशा बड़ा बोलने वाला, मेल कपलिंग ये क्या है, मेल कपलिंग ये क्या है, फीमेल कपलिंग, मेल कपलिंग हमेशा फीमेल कपलिंग के अंदर जाता है, दिख रहा है आपको, ऐसे इसको कनेक्ट कर, कनेक्ट हो गया, कनेक्ट करोगे तो ये जो लॉक है, लॉक क्या करेगा, अपने आप इसको, इसके अंदर एक स्प्रिंग लगा होता है, उस खटके में फंस जाता है, समझ में आ गया। अब ये निकलेगा नहीं, निकालने का तरीका है, जब तक इस लॉक को आप खींचोगे नहीं तब तक नहीं निकलेगा, समझ में आ गया। तो इसको क्या करोगे, इसके अंदर प्रेस करोगे तो ये इसको बोलते हैं हॉज फीमेल कपलिंग, क्या बोलते हैं, हॉज फीमेल कपलिंग, फीमेल कपलिंग लगे हैं जी सर, इसके अंदर दो लक्स लगे, कितने लक्स, दो, हाइड्रेंट में एक ही लगे हैं लेकिन इसके अंदर दो लगे, समझ में आ गया। इन दोनों को ऐसे पकड़ के हॉज पाइप को फैलाया जाता है, समझ में आ गया जी सर। अब जैसे यहाँ इसको कनेक्ट कर लिए, इसको क्या करोगे, ऐसे आगे जाओगे तो ये खुलेगा, खुल रहा है आपको, क्लियर है जी सर, खुल गया जी सर। दूसरा पाइप लाओ भाई, अब ये देखो हॉज पाइप की लंबाई 15 मीटर, आग कहीं दूर भी लग सकती है, आग कहीं मान लो वहां कोने में लग गई, ये हॉज पाइप और लाके जोड़ना है, समझ में आ गया। अब ये दूसरा होज पाइप में भी मेल कपलिंग लगा है, क्या लगा है, ये कौन सा कपलिंग, इसको क्या करोगे, यहाँ पे एक सपोर्ट दोगे और मेल कपलिंग को इसके अंदर प्रेस करोगे, समझ में आ गया, ये हो गया फिक्स, ठीक है, इसको ऐसे घुमा के एक बार देख लोगे, क्लियर है। फिर क्या करोगे, इसको ऐसे पकड़ के आगे होज पाइप को फैलाओ, चलो अब ये इसको बीच में है, जो पाइप इसको बोलते हैं सलवटे, क्या बोलते हैं, ये बीच में है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसको क्या करना है आपको, ऐसे जैसे मान लो हो सके आगे जाना तो खींच लो, वैसे इसको दूर से फैला लो, क्लियर है, इसमें सलवटे नहीं होना चाहिए, जैसे ऐसे मुड़ा है, मुड़ा नहीं थोड़ा अच्छे से ऐसे है ना, खींच लो भाई, लास्ट में लगेगा मोटर, आ जाओ, अब यह बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान देना, नोजल 3 प्रकार के हैं, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, ये है साधारण नोजल, कौन सा नोजल, ये है हैंड कंट्रोल, ठीक है, ब्रांच नोजल का दूसरा भाषा ब्रांच, समझ में आ गया, ये साधारण ब्रांच, इसमें कोई कंट्रोल करने का सिस्टम नहीं है, पानी को बस जेट में कन्वर्ट करना, ठीक है, ये हैंड कंट्रोल ब्रांच, कौन सा, मतलब इसको हैंड से, हाथ से पानी को बंद भी कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं, इसको अलग अलग डायरेक्शन में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, हैंड कंट्रोल ब्रांच, यह है होम मेकिंग ब्रांच, क्या है, इसका मतलब है झाग बनाने वाला ब्रांच, क्या बनाने वाला, अभी सबका इस्तेमाल करके दिखाएंगे आपको, झाग बनाने वाला ब्रांच के लिए एक अंदर होता है AFFF एक्वल फिल्म फॉर्मिंग फोम, शैम्पू जानते हो, शैम्पू जैसा मटेरियल इसके अंदर होता है, जो शैम्पू नहीं होता है, शैम्पू आग में जल जाएगा, आ गया, एक ऐसा मटेरियल होता है जो तेल की आग के ऊपर लेयर बना ले और आग में टिका रहे, समझ आ गया, उसको पानी के साथ इस ब्रांच के सहायता से, किसके सहायता से, ब्रांच के सहायता से पानी उसको हम मिक्स करके आग को बुझाते हैं, ठीक है, वहाँ पे कौन जाएगा, हाँ तुम चलो, ठीक है, नोजल लेके आओ, ले आओ आगे भाई, सब लेके आओ सामान, नोजल से ये साधारण नोजल का कैसे लगाना, ठीक है, इसमें भी मेल कपलिंग लगा हुआ, दिख रहा है, दिख रहा है सर, कहाँ, वो ऊपर में सर,
ये मेल कपलिंग लगा है, समझ में आ गया। इस होल पाइप में फीमेल कपलिंग लगा है, ठीक है। इसको भी क्या करोगे, ऐसे ये दाहिने हाथ में होना चाहिए, ठीक है। और इसको इसके अंदर ऐसे लगाओगे तो ये कनेक्ट करेगा, ऐसे चेक कर लिए, ठीक है। इसको पकड़ने का तरीका ये नहीं कि इसको ऐसे पकड़ के खड़ा हो जाए, बारात में नहीं आएगा, समझ में आ गया। आप बिठाने आए तो इसको ऐसे पकड़ के नहीं खड़ा होना है, समझ में आ गया। इसको क्या है, ये कौन सी हाथ है, बायां हाथ को इसको ऊपर लेना है। ये कौन सा हाथ है, दाहिना हाथ को इसके अंदर से लेके बाएं हाथ को ऐसे पकड़ना है, ठीक है। और ये आपके अंदर हो जाएगा ऐसे, आपको समझ में आ गया, ऐसे पकड़ना है। क्लियर है तो भाई, अब इसको एक सपोर्ट की जरूरत है, किसी की या अकेले चलाएंगे थोड़ा दिक्कत होता है, तो इनको एक सपोर्ट की जरूरत है। अब सपोर्ट कैसे करना है, कई प्रकार के तरीके हैं। ये हाथ से ऐसे आप कर सकते हो, समझ में आ गया। और ये कंधा इनके ऊपर ऐसे ऐसे जो है, ये क्या होता है, झटका था पीछे, कंधे क्या करना है, इसे चिपका लेना है, ठीक है, ऐसे, समझ में आ गया। दूसरा तरीका है, इनका जो कंधा है इसके जब चलेगा प्रेशर से बैक साइड में आएंगे, इनका कंधे पे एक हाथ देना है ऐसे, क्लियर है। और ये होज पाइप को ऐसे पकड़ के खड़ा रहना है, ठीक है। और भी तरीके, अलग अलग तरीके हैं सिचुएशन के आधार पर। चलो पानी खोलो, इसको पकड़ा दो, नो कल नीचे तो लीकेज है, वार्सल कट गया है, पानी बंद करो। अब चलो भाई प्रैक्टिस करो कैसे पकड़ते हैं, ये दे देना ये वाली हैंड कंट्रोल। अरे नहीं, पहले इससे करने दो, हर जगह हैंड कंट्रोल नहीं है। फिर इसका बाल कट गया ना, पानी पानी खोलो, नहीं नहीं बंद बंद गया, पानी बंद करो। अच्छा तुम नहीं पता है तो पूछ लो, कहाँ रहता तुम्हारा हाँ तुम्हारा जी। ओ, पकड़ो भाई, पकड़ो पकड़ो धड़ाधड़ दादा सिमलन पानी खोलो। अरे थोड़ा आराम, बड़ा आराम से खड़े हो यार, थोड़ा सा पैर का पोजीशन बनाओ यार, बंद करा दो, बंद करा दो, साफ बंद करा दो। हाँ जी।